हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ कुछ अभिकथन दिए हुए, यानी एक अभिकथन है, उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो अभिकथन दिया हुआ है कि गाजर के पौधों की पत्तियां जो होती हैं उसमें जालीदार शिराविन्यास होता है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि शिराविन्यास होता क्या है। तो आप ये पत्ती देख रहे हैं, आप कोई भी पत्ती तोड़ लीजिए किसी भी पौधे की, आप उसमें देखेंगे कि छोटी छोटी संरचनाएं बनी होंगी, जैसे कि ये होती हैं। यही होती है आपकी शिराविन्यास, यानी जो जालीदार संरचनाएं बनी होती हैं, किसी में सीधी सीधी पैरेलल होती हैं, किसी में ये जालीदार होती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं शिराविन्यास। पहला तो सही हो जाएगा कि गाजर के पौधों की पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास होता है, यानी अभिकथन आपका सही है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि मूसला जड़ वाले पौधों में जालीदार शिराविन्यास के साथ पत्तियां होती हैं। अब मूसला जड़ जानना भी बहुत जरूरी है कि मूसला जड़ को क्या होती है और आपकी रेशेदार जड़ें क्या होती हैं। तो आप ये देख रहे हैं, टैप रूट इन्हें इंग्लिश में कहते हैं और इसे पेपरस रूट कहते हैं। तो अगर टैप रूट की बात करें, यानी मूसला जड़ की बात करें, तो उसमें एक मेन रूट होती है और उसी से रिलेटेड छोटी छोटी आपकी अदर रूट्स होती हैं। जैसे गाजर में आप देखते हैं, गाजर में क्या है, एक टैप रूट है। अगर उसके बाद अगर आप घास की बात करें, तो घास में क्या होती है, कोई एक मेन रूट नहीं होगी, यानी कि एक कोई मेन रूट नहीं होगी जिससे अलग अलग जड़ें निकली हों। सभी ऐसे जालीदार आपको देखने को मिलेंगी, यानी बहुत घनी घनी सी आपको जड़ें देखने को मिलेंगी, कोई एक मूल जड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इसे ही कहते हैं जालीदार जड़ें और इसे कहते हैं क्या, मूसला जड़ें। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, जो मूसला जड़ें होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कई सारी संरचनाएं बनी होती हैं, यानी कि वो एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती हैं, जालीदार संरचनाएं होती हैं। अगर हम घास की जड़ों की बात करें तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं, यानी एक पैरेलल वे में होती हैं। ये तो हो गया मूसला जड़ के बारे में और रेशेदार जड़ के बारे में। अब इनके बारे में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि मूसला जड़ वाले पौधों में जालीदार शिराविन्यास के साथ पत्तियां होती हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि रेशेदार जड़ों वाले पौधों में जालीदार शिराविन्यास के साथ पत्तियां होती हैं, जी नहीं। अगर हम रेशेदार जड़ की बात करें तो उसमें क्या होता है, पैरेलल होती है, यानी जो शिराविन्यास होता है वो पैरेलल शिराविन्यास होता है, आपकी जालीदार संरचनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है कि जड़ों के प्रकार और पत्तियों में शिराविन्यास के बीच में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो टैप रूट होती है उनकी जो संरचनाएं होती है पत्तियों में जालीदार होती है, और जो आपकी जालीदार रूट होती हैं, जालीदार जड़ें होती हैं, उनकी जो संरचनाएं होती हैं पत्तियों में वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो इनमें आपस में रिलेशन तो होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं होता, यानी कि थर्ड भी आपका गलत, सेकंड भी गलत, सिर्फ और सिर्फ अभिकथन सही है और कथन एक सही है। यहाँ देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ए और एस वन सत्य है, एस वन ए का समर्थन करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि रूट्स और वेनेशन में क्या क्या रिलेशन होता है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मॉडल्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट के कई सारे मोड्स दिए गए हैं, इसमें आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम मोड्स की बात करें तो थ्री टाइप्स के मोड्स होते हैं जब भी ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं। एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जब गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे कहते हैं रेडिएशन, जब चालक में या किसी सॉलिड मटेरियल में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे कहते हैं कंडक्शन, जब हम मैटर की बात करते हैं यानी किसी द्रव्य की बात करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, थ्री टाइप्स के मोड्स होते हैं हीट ऑफ ट्रांसफर के, अब इनके बारे में जान लेते हैं। पहला कह रहा है कि संवहन केवल तरल पदार्थ और गैसों में होता है, यानी कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस ओनली, तो ये ऑप्शन तो एकदम सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विकिरण गैसों में नहीं हो सकता, रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, यानी जो रेडिएशन होता है वो गैसों में नहीं होता, और मैंने आपको अभी बताया कि जो रेडिएशन होता है वो गैसों में ही होता है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया है, तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मृदा ए में कम जल धारण क्षमता और उच्च पेट्रोलियम दर होती है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का स्तर भी कम होता है।
सेकंड कह रहा है कि मिट्टी बी में उच्च जल धारण क्षमता होती है और बहुत धीमी अंतः स्रवण दर होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा होती है। थर्ड कह रहा है कि जो मृदा सी है उसमें मध्यम जल क्षमता होती है, अंतः स्रवण दर और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो आपको बताना है कि ए बी और सी की जगह पर कौन कौन सी प्लेस की जा सकती है। तो अगर आप फर्स्ट की बात करें तो सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें होती है, वो होती है आपकी रेत में। बारिश हुई, रेत बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जैसे ही रेत में पानी बरसेगा तुरंत बह जाएगा, यानी ठहरेगा नहीं पानी, यानी एक ही जगह पर तो हो जाएगा आपका रेत। फिर सेकेंड कह रहा है कि मिट्टी बी में उच्च जल धारण क्षमता होती है। तो अगर आप मिट्टी की बात करें, जब मिट्टी में जैसे बारिश हुई तो मिट्टी क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, यानी उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और कार्बनिक पदार्थ भी बहुत ज्यादा होती है। तो बी की जगह पर तो आपका मिट्टी हो गया, बचा क्या, थर्ड। थर्ड की जगह पर क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, यानी ए होगा रेत, बी होगा मिट्टी, सी होगा कीचड़। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के मूल्यांकन की हमारी समकालीन समझ के अनुरूप है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित, हम कभी भी कंपटीशन को फोकस नहीं करेंगे, यानी हमें कभी भी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मच मोर वेटेज देन इंटरनल असेसमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थर्ड कह रहा है कि पेरियोडिक टेस्ट शुड हैव बोथ अ रिटन एंड एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, यानी जो आपके परीक्षण हो रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें रिटन फॉर्म भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी रिटन फॉर्म से क्या कर सकते हैं आप, समेटिव असेसमेंट ले सकते हैं बच्चे का। अगर एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उन्हें लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से उन्हें लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन बुक टेस्ट के लिए आप किस तरह के प्रश्नों की सिफारिश करेंगे, महत्वपूर्ण कानूनों और सिद्धांतों के कथन, हम बहुत ज्यादा सिद्धांत पे, प्रिंसिपल्स पे, लॉस पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण घटनाओं की परिभाषाएं, परिभाषाएं भी निगेटिव होती हैं, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड कह रहे हैं अपरिचित स्थितियों के लिए मानक सूत्रों का अनुप्रयोग, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप यूज करें, स्टैंडर्डाइजेशन भी हम नहीं करते हैं। बचा क्या, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण संबंधों की व्युत्पत्ति, एकदम सही है, यानी कि आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किन्हीं दो कंपोनेंट के बीच में, किन्हीं दो मटेरियल के बीच में, किन्हीं दो एक्सपेरिमेंट के बीच में आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं कि क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड हो जाएगा, यानी इसके कई सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान पाठ्यक्रम की पर्यावरणीय वैधता के अर्थ को सबसे अच्छी तरह से समझता है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं को शिक्षार्थी के स्थानीय और वैश्विक वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब आप अच्छे से चीजें नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जो भी आप प्रिंसिपल पढ़ाए, जो भी रूल्स रेगुलेशन आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी जिस एरियाज में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहां से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी वो अच्छे से उसको कनेक्ट करके सीख पाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट मतलब कि पॉजिटिव पूछ रहा था तो पहला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, विज्ञान के पर्यावरण संरक्षण पर एकमात्र ध्यान देने के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, किसी एक अप्रोच पे, किसी एक एरिया पे हम फोकस नहीं कर सकते, सेकेंड तो गलत हो गया। पर्यावरण शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा विज्ञान पाठ्यक्रम की वैधता का मूल्यांकन किया जाना है, ये भी गलत है। विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण शिक्षा पर समर्पित अध्याय होने चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ एक ही पॉजिटिव स्टेटमेंट था, वो था फर्स्ट, और फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को अपने घरों का जल ऑडिट करने और विभिन्न गतिविधियों में प्रतिदिन खर्च किए गए पानी की अनुमानित मात्रा का पता लगाने के लिए कहता है। सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। एक टीचर है, वो बच्चों से कहता है कि बच्चों आपके घर में सभी लोग पानी का इस्तेमाल करते होंगे। बच्चों ने कहा यस मैडम करते तो हैं। तो टीचर ने कहा कि आपके घर में जो भी लोग हैं वो जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा का आप अनुमान लगाइए कि वो प्रतिदिन कितना पानी खर्च करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
आप अपने मम्मी पापा से बात करेंगी, जो भी घर में लोग होंगे, मम्मी ने पानी इस्तेमाल किया, आप मम्मी से पूछेंगे मम्मी आपने कितना पानी इस्तेमाल किया, पापा ने पानी इस्तेमाल किया तो आप उनसे जाके पूछेंगे पापा आपने कितना पानी इस्तेमाल किया, और उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यानी सबसे ज्यादा यहाँ कौन सी स्किल फोकस किया जा रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ कम्युनिकेशन पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑब्जर्वेशन आप कर ही नहीं पाएंगे, डेटा आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसे आप कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपको अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो प्रतिदिन कितनी मात्रा जल की इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, कम्युनिकेशन, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पौधों के विकास पर प्रकाश रंग के प्रभाव की जांच करें। यानी एक टीचर है, वो ये चाहता है कि जो उनके बच्चे हैं यानी जो शिक्षार्थी हैं, वो इस बात पे फोकस करें कि जो पौधे हैं उनके लिए जो आपका प्रकाश है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए वो बच्चों से कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन करो, किसी प्लांट को आप पहले धूप में रखो, उसके बाद आप छाया में रख दो, तो आप देखो कि इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर धूप में नहीं रखेंगे तो प्लांट क्या हो जाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, यानी जो प्लांट की ग्रोथ है वो सनलाइट पे डिपेंड करती है, लाइट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि प्लांट ग्रोथ वुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी पौधों की वृद्धि एक निर्भर चर होगी, जो ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ होगी वो किस पे, लाइट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा छह के छात्रों के लिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अवधारणाओं को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। यानी ये एक टीचर है, वो अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, कक्षा छह के स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, पहला दिया हुआ है कि दोनों के बीच में अंतर बता दें, तो ये तो एक बेसिक सा हो गया है ना, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, टीचर आया उसने बता दिया कि भौतिक ये होते हैं और रासायनिक ये होते हैं, दोनों में ये डिफरेंसेस होते हैं, इनमें तो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग लगी ही नहीं, आपने बच्चे को तो इन्वॉल्व किया ही नहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन किस में है। थर्ड कह रहे हैं रासायनिक प्रतिक्रियाओं की अवधारणा का परिचय दें, यानी कॉन्सेप्ट बता दें कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजिंग, यानी कि आपने मीनिंग बता दिया कि कौन से रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कौन से इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला तो गलत था, बचेगा क्या, सेकंड, यानी कि आप बच्चों से कहेंगे कि जो भी चेंजेस उसके उनके डेली लाइफ में होते हैं उनके बारे में वो ऑब्जर्व करें और अपने एक्सपीरियंस को क्लास में शेयर करें, और उन एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप चीजों को रिलेट करके बच्चों को बताएंगे कि बच्चों ये केमिकल चेंज है, ये आपके फिजिकल चेंजेस है। तो इस हिसाब से बच्चा अच्छे से उनको अब्जॉर्ब कर पाएगा, अच्छे से रिलेट कर पाएगा, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से ऑब्जर्वेशन को पहचानिए, यानी इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ मच लार्जर नंबर ऑफ स्प्रिंग देन द नंबर विच सर्वाइव टू बिकम एडल्ट। तो यहाँ फर्स्ट ही हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो में हमने टोटल टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली ही आपको वीडियोज़ इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।